सुजानपुर नगर परिषद चुनाव शुरू होने से पहले ही लोगों ने नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर उंगली उठाते हुए तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं और यहां तक कह दिया है कि निर्माण नहीं तो वोट नहीं। सुजानपुर शहर के वार्ड नंबर 8 के लोगों ने गली निर्माण पर नगर परिषद को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई है। लोगों ने एक स्वर में कहा है कि कई वर्षों से वे इस पार्ट में रह रहे हैं, लेकिन उनकी गली का निर्माण कार्य आज तक नहीं हुआ। पूरे शहर में गलियों में पेवर टाइल लगाकर चकाचक करवाया गया है, लेकिन इस बार की ये गली खड्डों से भरी हुई है। ऐसे में इस बार इस गली के लोगों ने एक स्वर में नगर परिषद चुनावों में अपने मत का प्रयोग नहीं करने का मन बनाया है और एक स्वर में कहा है कि जब तक गली का निर्माण कार्य नहीं होता, सफाई व्यवस्था नहीं सुधारी जाती, पथ प्रकाश लाइट नहीं लगती, तब तक यहां के लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। स्थानीय लोगों में अभिषेक शर्मा, सचिन ठाकुर, लता कुमार, पृथ्वी पाल सिंह, संसार चंद, रोहित, गुरमैल सिंह, सुषमा ठाकुर, ईशा, सक्षम ठाकुर आदि ने बताया कि उनकी गली की हालत बद से बदतर हुई पड़ी है। रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं, वाहन खड्डों में फंसकर चकनाचूर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं हुआ है। वर्तमान में स्थिति ये है कि वार्ड नंबर 8 की इस गली में न तो सफाई कर्मी पहुँचते है, न स्ट्रीट लाइट व्यवस्था है और न ही गली पक्की है। ऐसे में सभी ने मन बनाते हुए कहा कि इस बार आने वाले चुनावों में अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे और जब तक निर्माण कार्य नहीं होता, व्यवस्थाएं नहीं सुधारी जाती, किसी भी तरह का कोई भी नगर परिषद को वोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे नगर परिषद के अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो हम सभी ने मतलब मिलवांट के फैसला लिया है कि अब हम वोट नहीं देंगे किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पूछता नहीं है। यहाँ तक जो आता है बस सफाई वाले, इसके ऊपर तो कोई आता ही नहीं है सफाई करने के लिए। सफाई वाला आता ना, वो नाली साफ, काफी बार उनको आके बोलते हैं पर वो ऊपर नहीं आते हैं कोई भी। और ये हमने खुद यहाँ पे ये कितने बार कंप्लेन लिखाई, कितने बार समझाया, कितने बार बोला, कितने बार प्रधान को कहा, कोई नहीं सुनता। यहाँ पे ना सफाई वाले आते हैं ना ये काम किए, 3 साल हो गए इस रास्ते को खराब हुए। इसमें जब आते हैं तो स्कूटर वगैरह यहाँ लग जाते हैं और एक दो आदमी इंजर्ड भी हुए हैं और एक दो बार बच्चे भी गिर जाते हैं। रात के चलने के लिए बहुत दिक्कत है और सफाई का बहुत कोई ख्याल नहीं है यहाँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बारी हम टैक्स देते हैं मगर हमारा काम जो नहीं होता हमारे साथ या न्याय क्यों होता है। इस बारी हमने इस कॉलोनी वालों ने फैसला किया है कि हम बिल्कुल अपने मत का जो है प्रयोग नहीं करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं, टैक्स नहीं देंगे। सुनने में आया कि सारे शहर में लाइटें हैं, सारे सभी जगह लाइटें चल रही हैं, पर हमारे यहाँ अनदेखी क्यों है? मतलब यहाँ कोई लाइटें नहीं, रात को अंधेरा रहता है, रात को अंधेरे में हमें प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ लाइट का प्रावधान किया जाए। मतलब कोई दुकानदार रहते हैं, बच्चे ट्यूशन से आते हैं, कोई ग्राउंड से आ रहे, कोई कहाँ से आ रहे, कोई लाइट नहीं चलती नहीं लाइट पे, यहाँ पर नालियों से स्मेल पड़ी रहती है, कोई बाहर बैठने रहता है यहाँ पे। संबंधित विषय पर जब नगर परिषद अधिकारी संजय कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि समस्या ध्यान में है, वार्ड पार्षद से बातचीत करके लाइट लगवाई जाएगी, सफाई व्यवस्था क्यों सही नहीं है ठेकेदार से पूछा जाएगा, गली निर्माण को लेकर मौके पर जाकर निरीक्षण करके उचित कार्रवाई करवाई जाएगी।